नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com में। मैं हूं आपके साथ वागीशा और चलते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची प्रियंका वाड्रा, लगे मोदी मोदी के नारे। पति ने शैंपू के लिए मांगे पैसे तो गुस्साए पति ने कर दी पत्नी की पिटाई। गहलोत का बयान, नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम बने तो हो सकता है भारत में फिर चुनाव हो ही ना। छत्तीसगढ़ के सांसद पहुंचने वाली पहली महिला थी मिनी माता, लोग मानते थे इन्हें मसीहा। गुजरात सरकार ने नहीं दी पूर्व पुलिस अधिकारियों पर मुकदमे की इजाजत। ईडी ने अदालत में कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहे वाड्रा, हिरासत में लेने की जरूरत। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा बीते 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। 14 साल की उम्र में आतंकी हमले में किया नाकाम, राष्ट्रपति से मिला शौर्य चक्र। 5 साल में शत्रुघ्न सिन्हा समेत इन सांसदों की संपत्ति में हुई अप्रत्याशित वृद्धि, एटीआर रिपोर्ट। असुद्दीन ओवैसी के पास 13 करोड़ की संपत्ति और 9 करोड़ है उनके ऊपर कर्ज। योगी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बोले प्रियंका, प्रचार का शोर और जमीनी हकीकत कुछ और। मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ेंगे रालोद अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह, घोषित किए 3 उम्मीदवार। शिवपाल यादव ने छोटे दलों के साथ मिलकर बनाया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। दिल्ली में आम से गठबंधन पर कांग्रेस ने बड़ी रार, शीला के साथ चाकू ने किया राहुल को खत। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए घमासान.com के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।